जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, लोग ये कहते थे कि साहब अब तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल लुटिया डूब जाएगी। और बहनों भाइयों, बड़े सीजन्ड और बड़े सीनियर लीडर्स के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में भी यह बात थी कि अब तो इस बार 72 सीटें नहीं आने वाली हैं, अब तो बामुश्किल 10-15 सीटें आएंगी। और ईमानदारी की बात कहना चाहता हूं, 10-15 तो नहीं, लेकिन मुझे लगता था उतनी सीटें कैसे आएंगी, मुझे खुद लगता था। लेकिन करिश्माई काम किया है हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिलाकर 40% वोट भी नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी को अकेले आप लोगों के कारण 50% मत प्राप्त हुए हैं। तब जाकर शानदार 5 वर्षों तक सरकार चलाने के बाद भी और उससे भी अधिक मतों से भी यह प्राप्त करना, यह कोई छोटी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हुई सरकार चलाने के बाद, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार क्यों न हो, एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी बल्कि प्रो इनकम्बेंसी थी।